नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सबका स्वागत है। मैं अजय कोहली लगातार आपको डीटीवी न्यूज के माध्यम से जो यहां के प्रत्याशी हैं मेवात के, उनसे लगातार मिलवा रहा हूं, उस जनता से भी आपको मिलवा रहा हूं जो इस चुनाव का आनंद ले रही है। हम आपको बता दें कि लोकतांत्रिक देश में कहीं ना कहीं कई प्रकार के चुनाव होते हैं, जैसे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पर जब बात आती है ग्राम पंचायत चुनाव की तो कहीं ना कहीं ये जनता इसमें भरपूर आनंद लेती है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। तो आज हम सिंगार में पहुंचे हैं, मेवात का सबसे बड़े गाँव में शुमार है। यहाँ से 5 से 6 चेहरा इस चुनाव में है, सामने हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ इस घड़ी में मौजूद हैं चेयरमैन साहब, जिनका नाम तैयब है, ये पूरा गांव और ये क्षेत्र उनको जानता है। साथ ही में उनके साहेब ज़्यादा जी, जिनका नाम आरिफ जी है, जो अब की बार चुनावी मैदान में है। साइकिल के चुनाव निशान के साथ वो जनता के बीच जा रहे हैं। जनता से किस तरह का समर्थन, किस तरह का प्यार मिल रहा है, लेकिन एक बार कैमरा पर्सन से चाहूँगा जो भीड़ उनके साथ है, जो युवा जोश उनके साथ, एक बार उनको ज़रूर दिखाएं। सीधा आरिफ जी से बात करेंगे। जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज प्यार आपको मिला, सम्मान आपको मिला, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और युवाओं ने इतनी गर्मी में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आपका डीटीवी का चैनल का अपने तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने तादाद में आपने देखा कि कितने प्यार भरा लोगों ने मेरे लिए मान सम्मान दिया। आज मेरे बड़े मोहल्ले में पूरे गाँव ने मेरा मान सम्मान करा। मैं इन सभी गाँव वासियों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल की गहराइयों से अदा करता हूँ। मेरी तिल सभी से यही अपील है, आने वाली 2 नवंबर को साइकिल का सामने वाला बटन दबाना है और आरिफ मुझे कामयाब बनाना है। देख रहे हैं कि पसीना आपका निकल गया है, सभी का पसीना निकला, लग रहा है कि साइकिल चला के आप लोग आए हैं, पूरे गांव में आपने साइकिल चलाया। क्या लग रहा है कि आपके बार जनता साइकिल के साथ चलेगी और साइकिल को दौड़ाएगी? इंशाल्लाह साइकिल दौड़ेगी, ऐसा दौड़ेगी रुकने वाली है नहीं, इंशाल्लाह साइकिल पार जाएगी। जैसा गाँव से प्यार हमें आज मिला है, सभी गाँव वासियों का बड़ा तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आरिफ जी, और भी चेहरे आपके सामने हैं, तो कहाँ अपने आप को देखते हैं और कितना परसेंट वोट आप यहाँ से जुटा पाएंगे? इंशाल्लाह सारे कैंडिडेट एक साइड में रहेंगे, इंशाल्लाह मेरा चुनाव एक साइड में रहेगा। ये तो लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं जनता का समर्थन जैसे आज आपको मिला है, प्यार ऐसे मिला है, अगर इसी तरह 2 तारीख तक रुके तो कहीं ना कहीं एक तरफा आप लोग निकाल पाएंगे। इंशाल्लाह हम एक तरफा अपना चुनाव निकाल पाएंगे। क्या अपील करेंगे जनता को? जनता से मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ, चुनाव अपना बहुत अच्छा है, शांति का माहौल बना के रखें, आपस में भाईचारा खराब ना करें। तरह तरह के चेहरे आएंगे, तरह तरह की बातें बताएंगे। मेरी तो सभी गाँव वासियों से अपील है कि शांतिपूर्वक अपना चुनाव कराएं और अपने प्रत्याशी को विजय बनाएं। जी धन्यवाद। ये आरिफ जी थे जो अब की बार चुनावी मैदान में हैं और चेयरमैन साहब के साहिबजादे हैं, उनसे बात करते हैं सीधा। चेयरमैन साहब से कि बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आज मान सम्मान आपको जनता ने दिया, प्यार दिया, क्या कहने चाहेंगे इस प्यार के लिए जनता? मेरे बेटा आरिफ नंबरदार जो चुनावी मैदान में है, मेरा 20 साल से जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया, आज 20 साल से उन लोगों का प्यार मुझे बराबर मिलता रहा है, और इंशाल्लाह मेरा चुनाव एक तरफा है और इन कैंडिडेटों के मुकाबले में मेरे लिए जो भी लोगों ने मान सम्मान दिया ना, मैं सारे गांव वासियों को और मेरी पार्टी के जो भी लोग हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनका बार बार धन्यवाद करता हूं। आज इतने संघर्ष के साथ सुबह हम 9 बजे के निकले हैं और 4 घंटे के बाद में सारे गाँव का हमने राउंड लिया है और लोगों ने जो मान सम्मान किया, मैं सारे गाँव वासियों की तरफ से आप लोगों को टीवी चैनल्स के माध्यम से कहना चाहता हूं, इंशाल्लाह मुझे मौका मिल रहा है और मैं जनता की सेवा करूंगा और ऐसी सेवा करूंगा कि जो इन लोगों के नाम को पीछे करके अपने बेटे को आगे लाऊंगा। कहीं ना कहीं युवा को आप आगे लेकर आ रहे हैं, बाकी जो युवा आज एक समर्थन मिला है तो युवा भी कहीं ना कहीं आपसे और आरिफ जी से मांग रखते हैं यहाँ के विकास की बातें करें, तो बहुत बड़ी पंचायत है अपने आप में मेवात का सबसे बड़ा गांव है, तो क्या जनता को मिलेगा, क्या युवाओं को मिलेगा? युवाओं ने जो आज मेरे साथ सुबह से बड़ी मेहनत के साथ संघर्ष और गर्मी में इन लोगों ने मेरा समर्थन कर सारे गाँव का राउंड लिया है, इन मेरे साथियों के बच्चों का जो भी मान सम्मान होगा उनको बहुत तहे दिल से पूरा करूंगा। बाकी सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपने हमसे पहले भी यहाँ से आपके परिवार ने यूँ कहे कि आपके वालिद साहब ने यहाँ 2.5 साल आपके पास सरपंची भी आई थी, तो उस वक्त में बताया जा रहा है कि किस तरह से आपने काम कराए और जनता ने अगर अब की बार साइकिल को मौका दिया, आपको मौका दिया, तो क्या वाकई में यहाँ अब की बार विकास धाराएं बहने चाहिए? मुझे 2002 में
3.5 साल का समय मिला, लेकिन 3.5 साल में सरकार की जो नीति थी वो कम थी, लेकिन आज सरकार ने जो खजाने खोल रखे हैं इस सरकार ने, अगर अल्लाह ने हमें मौका मिल रहा है इंशाल्लाह हमें मौका मिलेगा, और एक मिसाल कायम करके जाऊंगा इंशाल्लाह बुढ़ापे की कि जो लोग मुझे गांव में काम करने हैं उनकी जनता के लिए विकास किए जाएंगे, अगर जनता विकास करूंगा। लग रहा है कि साइकिल चलेगी, साइकिल इंशाल्लाह दौड़ के चलेगी, दौड़ेगी साइकिल, जबरदस्त दौड़ रही साइकिल। चेयरमैन साहब हमारे साथ थे, तैयब हुसैन जी हमारे साथ थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी, बताया कि अब की बार कहीं ना कहीं जो ये सिंगार की जनता है साइकिल को चलाना चाहती है, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की सरदारी, उनसे भी हम बात करते हैं। जी आपका नाम? इस्लाम। इस्लाम जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि साइकिल के साथ आप चल रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? माइक आप। पूरी बस्ती, सारी बिरादरी चेयरमैन के संग साइकिल, साइकिल के साथ पूरी बस्ती चाह रही है, पूरी बस्ती बार बिना पेट्रोल के चलाने वाले हैं। हाँ इंशाल्लाह चेयरमैन की और भी लोग हैं, उनसे बातें करेंगे, बुजुर्ग लोग मेरे सामने हैं। जी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा जगह दें। जी किस तरह देख रहे हैं इस चुनाव को, साइकिल के साथ चल रहे हैं, कितना परसेंट वोट जुटाएंगे, कितना वोट दिलाओगे? जीत रहे जी 1% का हना नुलाल है, कोई मुखालिफ जो दूसरी पार्टी है मैं बिल्कुल वहाँ में जा रही है, वन साइड हुए पड़ो। मैं 20 साल से वोटर हूँ चेयरमैन को, जब कुछ इसमें गुण है जब ही हम अपनी जान और माल का हनम इसके साथ खर्च कर रहे हैं, और हम का हनम सारे गांव में हर आदमी का पाम पकड़ के और रोके नहीं, कहा हम कह रहे हैं, वह कह रहे हैं इंशाल्लाह हम वोट भी देंगे, जान माल भी लगाएंगे और हमारा विकास गांव में होएगा। तन मन धन से, तन मन धन से कहा। साइकिल पहले बंद हो चुकी थी, वो दोबारा चलेगी। अच्छा आपकी बार कहने के दोबारा आपकी बार साइकिल चलेगी, चलेगी चलेगी जी। अब की बार सिंगार गांव में साइकिल की सरकार आएगी। अच्छा साइकिल चलाओगे? आएगी दोबारा साइकिल की सरकार आएगी। साइकिल को लोग चलना जी। मैं युवाओं से एक बार जानना चाहूंगा, मेरे पीछे काफी युवा है, उनसे जाऊंगा। देखो फैन ऊपर है, आप थोड़ा नीचे रहे, क्या कहना चाहोगे? भारी आवाज में लोग आए हैं सामने और कहा है कि कहीं ना कहीं अब की बार हम यहाँ से साइकिल को आगे लेकर आएंगे, साइकिल को चुनकर लेकर आएंगे और अपने क्षेत्र का विकास कराएंगे। तैयब जी जो चेयरमैन यहाँ से रहे हैं उनको वो आगे लेकर आएंगे। बने रहे आप हमारे साथ, अगर इसी तरह की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।